वेलकम बैक व्यूअर्स, हम दोबारा वापस आ चुके हैं और हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जानना चाहेंगे कि आज के दौर की ख्वातीन जो हैं, आपने जैसे बताया कि रूद को बहुत सारे मसाइल दरपेश आए, बहुत सारी आजमाइशें आएँ, आज की ख्वातीन रूद के किरदार से क्या सीख सकती हैं? बहुत सारी बातें हैं जो रूद के किरदार से सीखी जा सकती हैं, लेकिन बेसिकली मैं कुछ बातें जो ख़ासतौर पर उनकी ख़ानदानी ज़िंदगी के अतबार से करना चाहूँगी कि आजकल की औरतें जो हैं वो ख़ानदानी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा रुकावट का, मुश्किल का और कभी कभी ख़ानदानी ज़िंदगी को तबाह करने का भी वसीला बनती हैं। कहा जाता है कि औरत ही ख़ानदान को बनाती है, लेकिन कभी कभी औरत ही ख़ानदान को बिगाड़ने का बाइस भी बनती है। सही कहा आपने। तो मैं इसमें देखती हूँ कि किस तरीके से उसने अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी को समेट के रखा है और कैसे उसने अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में जो है वो हमेशा अपने जो रिश्ते हैं उनकी पासदारी की है, उनके साथ वफादारी का इजहार किया है। तो मैं उसको रूद को एक वफादारी का पैकर के तौर पर भी पेश करना चाहूँगी कि भाई वो एक वफादारी का पैगंबर नज़र आती है, एक ऐसी औरत नज़र आती है जो ख़ानदानों में वफादारी के अंसर को नुमाया करती है, उभारती है और लोगों को मोटिवेट करती है कि वो भी अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में इस चीज़ को रखें, क्योंकि आजकल के दौर में ये बेवफाई का जो अंसर है ये बहुत ज़्यादा बिल्कुल नजर आता है। सही कहा आपने। और फिर एक और चीज़ भी हम रूद के किरदार से देख सकते हैं कि खुदावन के साथ वफादारी के साथ जब आप चलते हैं, ना सिर्फ अपने ख़ानदानों के साथ बल्कि खुदावन के साथ भी जब आप वफादारी के साथ चलते हैं तो खुदावन आपको बहुत सारी बरकत से नवाजता है। इसमें जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह की नज़र आती हैं। और हम रूद की ज़िंदगी में देखते हैं कि उसको जिस्मानी बरकत भी मिली है, कैसे उसकी ज़िंदगी दोबारा से बहाल हुई है, उसको उसका शोहर जो है वो दोबारा से मिल गया है, उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी बहाल हुई है, फिर इसके साथ साथ उसकी औलाद भी हुई है और इतनी खूबसूरत औलाद हुई है कि बाइबल मुकद्दस में उसको ख़ास दर्जा दिया गया है कि उससे उबेद पैदा हुआ और उबेद से फिर यस्सी और यस्सी से फिर दाऊद जो है वो पैदा हुआ है। तो फिर इस एतबार से हम देख सकते हैं कि उसको खुदावन ने जिस्मानी और रूहानी हर तरह की बरकतें दी हैं और बाइबल मुकद्दस में उसको एक अहम औरत की हैसियत से, एक ऐसी औरत की हैसियत से पेश किया गया है जो कि तमाम औरतों में अफजल भी नज़र आती है एक किस्म से। तो ये एक खूबसूरत मिसाल हमें नज़र आती है। और रूद के जब मैं नाम के मायने को देख रही थी तो इसके नाम का जो मतलब है वो फ्रेंडली है। हिब्रू में इसको देखें तो इसका मतलब है कि फ्रेंडशिप करने वाली या दोस्ताना ताल्लुक रखने वाली, मिलनसार। तो ये उसके सारे किरदार में नज़र आती है और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसने इसी चीज़ को पेश भी किया है कि किस तरह से हमें मिलनसार रहना है, हमें एक दूसरे के साथ अच्छे ताल्लुकात में आगे बढ़ना है। मैं जब रूद की ज़िंदगी को देखती हूँ तो मैंने यही सीखा अभी कि औरत के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने मुल्क को छोड़कर, क्योंकि रूद का जैसे आपने ज़िक्र किया, मुआब से एक अलग एक नए शहर में आना और अपने उस तमाम तर्ज़ ज़िंदगी को छोड़कर एक नए खुदा के बारे में रूद ने जाना और आकर अपने नए ख़ानदान में इतनी वफादारी से ज़िंदगी बसर की और उसकी इन तमाम नेमतों को, उनको खुदा ने जो नेमतें बख्शी, वो बहुत गरीब और मुफलसी की ज़िंदगी गुजार रही थी। लेकिन जब वो अपने इस नए मुल्क में आईं तो वहाँ उन्हें अज़दवाजी ज़िंदगी की शुरुआत भी मिली और वो गरीब से एक अमीर खातून में तब्दील हो गए। तो ये वो सारे तोहफे और बरकात थे जो खुदा ने रूद को वफादारी के लिए अता किए थे। ये इन तोहफों से रूद हमारे लिए एक बहुत बड़ा नमूना बन जाती है कि हमें भी अपने ख़ानदानों में वफादारी के साथ रहना है। मैं ख़ाइशा जी आपसे कुछ आपके बारे में भी जानना चाहूँगी। आपने बहुत अच्छा हमें रूद के बारे में बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और रूद के किरदार के बारे में आज जानकर बहुत सारी ख़वातीन ने, स्पेशली बहुत सारी ख़वातीन ने ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में बहुत सारी बातें जाननी होंगी, किस तरह अपने ख़ानदान के साथ हमें वफ़ादार रहना चाहिए और अपनी वफ़ादारी से हमें क्या क्या तोहफे खुदा की तरफ से मिलते हैं। ये भी मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी, कुछ अपने बारे में बताएं, आप क्या कर रही हैं और अपनी एक्टिविटीज़ के बारे में कुछ बताइए। वेल, मैं ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी में एज ए यूथ कोऑर्डिनेटर खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। एक पूरा डिपार्टमेंट है ओपन थियोलॉजिकल सेमिनरी का कि जिसमें हमने ख़ास करिकुलम तैयार किया है टीनेजर्स के लिए जिनकी उम्र 11 साल से 18 साल है,
उनके लिए एक करिकुलम तैयार किया गया है जिसको हम कहते हैं क्रिश्चियन एजुकेशन करिकुलम फॉर टीनेजर्स, मसीही तालीम का नसाब बराए नौउम्र अफराद। और ये मैं की सीरीज़ के साथ है, मैं और मेरा खुदा, मैं और मेरी बाइबल, मैं और मेरा ख़ानदान, मैं और मेरी शनाख्त, मैं और मेरी कलीसिया, मैं और मेरा माहौल, मैं और मेरी अखलाकियात, और मैं और मेरा माशरा, और मैं और मेरा मां। तो ये 10 किताबों पर मुश्तमिल है। और ये करिकुलम जो है वो इसलिए डिज़ाइन किया गया ताकि हमारे जो टीनेजर्स हैं वो ख़ास तौर पर गुमराही की राह से जो है वो बच सकें और वो अपनी पहचान खुदावन की नज़र में जो है वो देख सकें। और इस एतबार से हम दो बातें इसमें देखते हैं कि नौजवान रूहानी तौर पर तरक्की करें और फिर माशरे के सरगर्म रुकन के तौर पर सामने आए तो वो अच्छे पाकिस्तान के शहरी बने। मतलब आप बहुत सारे नौजवानों को मोटिवेट करने का काम कर रहे हैं जी, और उन्हें मसीह यीशु की तरफ वापस ला रहे हैं। और हमें मैं सोचती हूँ कि ये एक बड़ी खिदमत है। कभी कभी सोचा जाता है कि टीनेजर्स जो हैं ये तो बड़े इग्नोर्ड पीपल हैं, इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहिए, लेकिन एक छोटी खिदमत है। लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक बहुत बड़ी खिदमत है। टीनेजर्स ही दरअसल कल के मामार हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो इस एतबार से ये मेरी खिदमत है पाकिस्तान में कि मैं यूथ के साथ, खासतौर पर टीनेजर्स के साथ काम कर रही हूँ। मिस खाइशा, आपने हमने बाइबल के में से आपने हमें किरदार के बारे में बताया, आप अपने बारे में बताएं, आपका पसंदीदा बाइबल का किरदार कौन सा है? अगर मैं ख़वातीन के किरदार के अतबार से, क्योंकि ये ख़वातीन का शो है, तो इस अतबार से मैं बातचीत करना चाहूँगी, तो मैं सोचती हूँ कि जो राहब है उसका किरदार ये मेरा फेवरेट किरदार है। क्योंकि जो है वो एक ऐसी औरत थी जो कि लोगों को इतनी पसंद नहीं आ सकती है ना, क्योंकि वो फहाशा कहलाई गई, कसमी है, गुनहगार औरत है, लेकिन वो किस तरह से खुदावन की लोगों को बचाती है। और फिर इस कदर उसका किरदार जो है नमाया नज़र आया कि इब्रानियों के ख़त उसके 11वें बाब में, जहाँ पे ईमान के बड़े बड़े सुरमाओं का जिक्र किया गया है, उसका भी जिक्र किया गया है। बिल्कुल। और उसके ईमान की तारीफ़ की गई है, राहब के ईमान की तारीफ़ की गई है। और उसने ना सिर्फ खुद बची है बल्कि अपने ख़ानदान को भी बचाने का वसीला बनी है। तो ये मैं सोचती हूँ कि ये किरदार बहुत ज़्यादा अच्छा किरदार है जो खुदावन की मोहब्बत को भी पहचानता है, और इसके साथ साथ ये भी हमें चैलेंज देता है कि हमें कैसे खुदावन पर यकीन रखना है। एक नया पहलू आपने राहिब के जो है उसके किरदार के बारे में हमें बताया है। अपने नाम के बारे में कुछ बताएं, आपका नाम बहुत ख़ास है, क्या मतलब है आपके नाम का? मेरे नाम का मतलब जो है वो हम्बल है, आजिज, खाशिया मेरा नाम है। मेरे अबू ने मेरा नाम रखा और उन्होंने बड़े जो है ना वो सोच समझ के नाम रखा। उस टाइम में रोज़े चल रहे थे, रोज़ों का आयाम थे, तो मेरे डैड ने कहा कि ये रोज़ों का सीज़न है, तो सारे लोग खाकसार होते हैं, आजिज होते हैं, तो खुदावन का डर और खुदावन का खौफ मानते हैं। तो उन्होंने फिर ये अबरानी वर्ड, जो अरबी वर्ड है, और उससे खाशीन से, खाशिया जो है ना वो कि खुदावन से डरने वाली, खुदावन का खौफ रखने वाली, हम्बल, आजिज। आपकी पसंदीदा बाइबल वर्ड्स कौन सी है? मेरी है जबूर 56 और उसकी 3री आयत है कि जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं खुदावन पर तवक्कल करूँगा। तो ये आयत मुझे बचपन से बड़ी फेवरेट है, क्योंकि मैं अपने आप को समझती थी कि मैं बड़ी डरपोक सी हूँ, बड़ी बुजदिल सी हूँ, लेकिन खुदावन ने जो है वो मेरे सारे डर को, सारे खौफ को दूर किया है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैं सोचती हूँ कि ये वाली आयत जो है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, और अभी भी जब कभी भी मुझे चैलेंज कोई भी फेस करना पड़ता है, और फिर उस टाइम पर मैं यही दोहराती हूँ, जब जिस वक्त मुझे डर लगेगा मैं खुदावन पर तवक्कल करूँगी, तो ये मेरी आयत जो है ना वो फेवरेट है। ज़बरदस्त। कोई ऐसा गीत या ज़बूर जो आपका पसंदीदा हो और मुश्किल वक्त में वो आप गुनगुनाती हूँ? अंजील को फैलाना ये काम हमारा है, ये मैंने बचपन से सीखा, और लेकिन इसके जो मायने थे, जो मफहूम थे, वो मुझे बड़े होके समझ आए ज़्यादा। तो मैं सोचती हूँ कि ये हम सबका फ़र्ज है कि हम अंजील के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मेरा फेवरेट गीत है जो अक्सर मैं गुनगुनाती भी हूँ। यूथ के साथ तो आप काम कर रही हैं, लेकिन यूथ के साथ साथ क्या आप ख़वातीन के लिए भी कोई काम कर रही हैं? हाँ जी, ख़वातीन के लिए बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे पास आती हैं, और वैसे भी मेरा हार्ट भी है उन यूथ, ख़ासतौर पर
ख़वातीन के लिए भी, क्योंकि मैं एक खुद भी औरत हूँ, तो फिर इस एतबार से मेरा हार्ट है उनके लिए कि उनकी उनके लिए भी कुछ किया जाए। तो इस एतबार से जहाँ कहीं भी मुझे मौका मिलता है ख़वातीन की मीटिंग को लीड करने का, ख़वातीन के बारे में कुछ बातचीत करने का, या ख़वातीन को मोटिवेट करने का, उनकी काउंसलिंग करने का, तो फिर इस एतबार से मैं काफ़ी ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दे रही हूँ। और पूरे पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी मौका मिलता है तो लोग ज़रूर बुलाते हैं, और फिर जो कुछ भी खुदावंद ने मुझे तौफीक बख्शी है मैं उसे एतबार से लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, तो अपने इन तजर्बात के बारे में कुछ बताएं। अभी तक मैंने 3 ममालिक को विज़िट किया है, मलेशिया, इंडोनेशिया और नैदरलैंड्स। मेरा तजर्बा यही रहा है कि कभी कभी मैं सोचती थी कि उनकी औरतें जो हैं वो बड़ी आज़ाद हैं, उनके मसाइल इस तरह के नहीं होंगे जिस तरह से पाकिस्तानी ख़वातीन के मसाइल होते हैं। लेकिन समहाउ जब मेरी उनके साथ डिस्कशन वगैरह होती थी, बातचीत होती थी, तो वो भी अपने यही तजर्बा जो है वो शेयर करती थी कि इस तरीके से है। लेकिन अभी वहाँ पर काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख पाए हैं कि ख़वातीन हैं उनका भी एक अहम किरदार है और उनको इक्वल राइट्स होने चाहिए, तो वहाँ पर तो काफ़ी डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन अभी हम लोग इसी स्ट्रगल में लगे हुए हैं कि किस तरीके से ख़वातीन को अहमियत दी जाए, उनके किरदार को नुमाया किया जाए, उनको हकूक़ दिए जाए, तो हम इसी फाइट में भी लगे हुए हैं। लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो अवेयरनेस आ गई है इस एतबार से। तो वहाँ पर भी काफ़ी मेरी इंटरनेशनल फ्रेंड्स भी हैं जो जिनके साथ मेरी बातचीत होती है, तो वो मेरी इनक्रेजमेंट का भी वसीला बनती हैं, और हम आपस में बड़ी अच्छी रफाकत भी रखते हैं। गुफ्तगू जब होती है हमारी तो बड़ी अच्छी होती है, तो हम काफ़ी जो है वो एक दूसरे से बरकत भी पाते हैं। तो ये मेरे बड़े अच्छे तजर्बात रहे, मुझे मौका मिला कि पाकिस्तान को भी प्रेजेंट कर सकूं, पाकिस्तान की प्रेजेंटेशंस देना होती थी, तो ये बड़ा अच्छा चांस था कि एक मसीही पाकिस्तानी औरत के एतबार से मैं लोगों के सामने पेश कर सकती थी कि कैसे एक मसीही औरत पाकिस्तान में अहम और मौसर खिदमत सर अंजाम दे सकती है और उसको कितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती भी हैं। वाओ, जबरदस्त। थैंक यू सो मच मिस खाशिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने रूथ के किरदार के बारे में हमें बताया। आखिर में आप हमारे व्यूवर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? वेल, मैं अपने व्यूवर्स को यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह से पूरी स्टोरी हम लोगों ने रूथ की देखी है, ये तकरीबन रूथ की किताब के 4 अबवाब हैं और उसमें पूरी की पूरी उसकी स्टोरी बयान की गई है। इसके साथ साथ मत्ती की अंजील में भी रूथ के किरदार को हाईलाइट किया गया है, अगरचे चंद अल्फाज में उसको बयान किया गया है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि रूथ का किरदार बाइबल मुक़दस में एक ऐसा किरदार है जो कि हमें ये नसीहत करता है, ये हमें तालीम देता है कि कैसे हम खुदावन के साथ और अपने ख़ानदान के साथ वफादारी का इजहार कर सकते हैं। और फिर इसके साथ साथ रूथ जो है वो एक मेहनत कश औरत के तौर पर भी नज़र आती है, तो आज की औरतें जो है वो मेहनत से काफ़ी ज़्यादा जान जो है वो चुराती हैं, तो उनके लिए ये होता है कि हर तरह की फैसिलिटीज़ हमारे पास मौजूद हों। तो मैं औरतों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि ज़रूर मेहनत का दामन जो है वो हाथ से जाने ना दें, और इंसान की किताब उसकी 31वीं बात में बड़ी खूबसूरती के साथ औरत की एक तस्वीर को पेश किया गया है जो बड़ी मेहनत के साथ अपने ख़ानदान को, अपने घर को चलाती है, बनाती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ज़रूर मेहनत करें और अपने ख़ानदान के लिए करें, अपनी कलीसिया के लिए करें, तो खुदावन जो है वो उसमें बरकत भी देगा, खुदावन जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह से बरकत उनको से आपको नवाजेगा। तो इसलिए कभी भी मेहनत से शर्माए ना, मेहनत करें, खुदावन आपको ज़रूर फल देगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मिस हाशिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा हमें टीचिंग दी, बहुत अच्छा पैगाम दिया, और दिल की गहराइयों से हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हमारे स्टूडियोज़ आपके लिए दरवाज़े खुले हैं, हम आइंदा भी आपको मदा करते रहेंगे अपने स्टूडियो में। और अजीज़ों, अभी जो है वक्त है जाने का, तो हमें दीजिए इजाज़त, हम मिलेंगे आपको एक नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ अपने इसी प्रोग्राम ख़वातीन बाइबल में होशाना टीवी के संग। हम मिलेंगे आपको अपने नए प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ, तो हमें दीजिए इजाज़त, देखते रहिएगा हमारा प्रोग्राम
खवातीन बाइबल होशाना टीवी के संग गॉड ब्लेस यू ऑल।